दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक एसर का बोर्ड जिसका पार्ट नंबर है DA0ZRL MB6D0। तो आइए इसमें पावर लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें। तो ये वोल्टेज इसका गिर के नीचे आ गया और एम्पेयर फुल चला गया, क्योंकि इसको मैंने एम्पेयर सेट कर रखा है 3 एम्पेयर पर और 19 वोल्ट सेट कर रखा हमने। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं पावर लगाता हूं तो ये एम्पेयर तो एकदम फुल हो जाता है, बट वोल्टेज गिर करके नीचे आ जा रहा है, तो शॉर्ट सर्किट लगता है इसमें। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि शॉर्टिंग कहां पर है और क्या उसका एरिया है, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। कॉमन पॉइंट सबसे पहले हम लोगों को चुनना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर 2 सेंसिंग रजिस्टर आपको दिख रही है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की है सेंसिंग रजिस्टर, तो ये कॉमन पॉइंट होता है एक बैटरी एरिया का और एक चार्जिंग एरिया का। तो दोनों में से किसी पर भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग ओम पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। मेगा ओम हो गया, ठीक है। तो 24 ओम आ रही है इसकी वैल्यू, और दूसरे वाले की ये बैटरी होगी, क्योंकि यहां पर देखिए कॉइल भी है, तो ये बैटरी का एरिया है और ये 19 वोल्ट का एरिया है। तो ये यहां पर से बता रहा है शॉर्ट, 24 ओम से शॉर्ट है ये। क्या रीजन हो सकता है 24 ओम से ये अगर शॉर्ट है, तो कुछ तो बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम रहा होगा ना। तो आइए हम लोग उसको ढूंढते हैं। पहले फिजिकल देखें कि शायद कुछ फिजिकल दिख जाए। तो अभी तो हम कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि हम लोग एग्जामिन करेंगे कि कुछ चीजें आंख से भी दिखती है, और कभी कभार हमें एम्पेयर थोड़ा सा वोल्टेज डालना होता है, इंजेक्ट करना होता है। तो यहां पर तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और 19 वोल्ट का एरिया कहां पर है, इस तरफ हाई ड्राइव, ठीक है। यहां पर भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी ये हुआ आंखों से देखने वाला कि भाई आप पहले देख लीजिए, कुछ आपको फिजिकल तो नजर नहीं आ रहा है। अब दूसरा तरीका है कि पावर सप्लाई से तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर कैपेसिटर हमें नहीं दिखा आंखों से, तो इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर आप पावर सप्लाई यूज नहीं करते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपके लिए एक टिप्स बता रहा हूं, हाई ड्राइव, जितनी भी हाई ड्राइव है, तो यहां पर ये हाई ड्राइव है इसकी, इस पर चेक करिए। कैपेसिटर अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे अंदाज से निकालना। तो पहले हम ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या कोई हाई ड्राइव शॉर्ट तो नहीं है। एक ये एरिया था, फिर एक यहां पर है, ठीक है। ये वाला एरिया है यहां पर लगा हुआ है, हाई ड्राइव ही चेक करें हम लोग, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट नहीं है, सिर्फ हाई ड्राइव चेक करते रहना है। तो कोर के पास आ गए हम लोग, तो कोर के पास कहां कहां पर हाई ड्राइव है, ये है हाई ड्राइव, इसे बोल रहा है, इसे बोल रहा है, ठीक है। इसको चेक करना है, ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये यहां पर शॉर्टिंग नहीं है, इसमें कौन सा हाई ड्राइव है, तो ये देखिए भी बता रहा है। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि ये कितना ओम है, 0.67 के करीब ओम आ रही है, यही वैल्यू इस कॉइल की, यानी ये लो वाला है, ये लो ड्राइव होगा, क्योंकि 24 ओम आ रही है कॉइल की। तो ये एक थोड़ा सा सस्पेंस है यहां पर, एक ये खराब हो सकता है, और देखें ये तो लो वाला एरिया है, इधर 29 ओम। तो अभी हम लोग ये वाला चेक कर रहे हैं, 0.9 ओम, 0.6 ओम, और ये वाला कितना आ रहा था, ये सेम आ रहा है, यानी कोर के एरिया में ही कुछ ना कुछ लोचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये निकालेंगे, जो सीपीयू है, सीपीयू निकालना है हमें। तो देखिए शॉर्टिंग का बहुत सारा रीजन होता है, शॉर्टिंग बहुत तरह की होती है। इसमें एक पॉइंट यहां पर आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं मैं कि समटाइम
अगर आपका पावर सप्लाई भी फेल हो जाता है चेक करने में, तो आप इस तरह से भी शॉर्टिंग चेक करके निकाल सकते हैं। तो अभी इसको ओपन कर लेंगे तो आप पता चल जाएगा सीपीयू को हमने निकाल लिया है बाहर। अब नहीं भी बोलनी चाहिए अगर ये शॉर्ट नहीं है तो ये वाला जो हमें शॉर्ट दिख रहा था, तो ये तो इस दोनों में से 100% एक कोई खराब है, या दोनों ही खराब है, या कोर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कैपेसिटर देख लेते हैं। कैपेसिटर यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर बीप नहीं बोल रहा है, कैपेसिटर बीप नहीं बोल रहा है, कैपेसिटर कहीं पर बीप नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो बस ये दो में से एक की प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करूंगा, ठीक है। अब ये कंफर्म करूंगा क्या इसी दोनों में से प्रॉब्लम निकलती है। तो मैं आपको यहाँ पर पावर सप्लाई दूसरा है मेरे पास जो शॉर्टिंग पर्पस के लिए है, मैं इसी को यूज करूंगा और आपको टच करके बताऊंगा कि कौन सा गर्म हो रहा है। तो किसी भी ड्राइव पर रख लेता हूं मैं, चिमटी है यहां पर, हटा देते हैं इसको। तो आप लोग अभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि शॉर्टिंग के लिए मैं अलग पावर सप्लाई यूज कर रहा हूं, और मैं छू के देखता हूं कि इस दोनों में से कोई एक तो गर्म हो रहा होगा। 6 वोल्ट डाला है, 450 mA लोड ले रहा है। अरे बाबा रे बाबा, धड़ाम से बोला कुछ, पीछे की तरफ से कुछ बोला। तो इसमें से पोलर फटा होगा, 6 वोल्ट डाल दिया था, अच्छी बात है, कुछ दिखा भी नहीं, धुआं भी निकल गया। देखिए पानी गया था, कार्बन की वजह से कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट आई है। एलईडी तो नहीं जलेगी, देख रहे ना, एलईडी नहीं जलेगी, जलाना होगा। तो फिर एलईडी भी चेंज करना होगा, साथ में ये जो रजिस्टर लगी हुई थी ये सब भी चेंज करना होगा। इसको तो अभी किनारे रखते हैं और हम पता ये करते हैं कि शॉर्ट क्या हुआ। देखिए इसी के अंदर ही शॉर्टिंग है, यानी इसी में से कोई एक से धुआं निकला है। 44 आ रही है, ये 0 आ रही है। तो कोर के बैक साइड में इसको निकालेंगे। अभी देखिए अभी यहां से क्या कितना चीज अभी निकलेगा। अभी मुझे लगता है कि काफी चीज यहाँ पर खराब है। एक तो सब अब भी बोलने लगी, ये तो मैंने ही उड़ाया है, ठीक है। पीछे से धुआं निकला किसी एक में से और कुछ उड़ा, तो आंखों से भी दिख जाना चाहिए, नहीं दिखेगा। चलिए निकालते हैं, पेस्ट डाले, इसी दोनों में से फैसला होगा पहले। तो ये शॉर्ट सर्किट इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से ये भी निकल गया बेचारा, इसको भी निकालना पड़ रहा है। ठीक है, ये बाहर आ गया, इसको भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को निकाल लिया और एक बार चेक करेंगे तो यहां की तो शॉर्टिंग हट गई। इस दोनों में से कौन सा खराब हुआ है, ये चला गया, ये वाला बच गया, ठीक है, यानी इधर वाला बच गया, इधर वाला चला गया। तो ये तो अभी हुआ क्या कि शॉर्टिंग निकालने के चक्कर में ऐसा हुआ, बट शॉर्टिंग अभी भी निकली नहीं है। कोई एक फिट ऐसी खराब है जिससे बाईपास हो गया 19 वोल्ट और वो चला गया कोर के एरिया में। तो अच्छा किया था कि हम लोगों ने सीपी निकाल लिया था। एक ये 1 ओम आ रही है और इसकी 0.5 ओम है, तो इस दोनों को पहले निकाल लेते हम लोग, फिर बाद में बात करेंगे हम लोग कि आखिर क्या लोचा है। तो इस दोनों को निकालना जरूरी है क्योंकि ये 19 वोल्ट का एरिया है और ये कभी भी बीप नहीं करनी चाहिए। पहली बार हम लोगों ने तो वो तो चलिए आपको दिखाने के लिए मैं निकाल रहा था कि शॉर्टिंग इसको नॉर्मली ऐसे निकाल देते तो भी आपका शॉर्टिंग निकल जाना था, बट ये अभी कंफर्म कर लेंगे कि क्या दोनों शॉर्ट हुआ है या एक शॉर्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोर ऐसी बचती है, इतना अगर शॉर्ट सर्किट है तो कोर ऐसी
नहीं के बराबर बची होगी। तो आप चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है अब। तो यहां पर देखिए हम लोग चेक कर रहे हैं इस वाले एरिया का जो निकाला है, अभी शॉर्टिंग चली गई यहां पर से चली गई। अब इस दोनों फेट में से देखेंगे हम कि दोनों फेट में से कौन सी बची, इधर वाली यानी इस दोनों में ये वाली बची है या उस तरफ वाली बची है। ये तो इधर वाली तो नहीं बोल रही है, इधर वाली कंफर्म। तो चूंकि एक ही पाथ पर होता था दोनों, तो ये वाली बच गई इधर वाली। ठीक है, इसको वापस लगाते हैं। ठीक है, तो ये लग गई है। और एक कैपेसिटर और एक मॉस्फेट हमारा खराब निकला है। हमें एक मॉस्फेट तो चाहिए चाहिए, वो भी हाई ड्राइव पे चाहिए। ठीक है, तो हाई ड्राइव कहाँ मिलेगा? ये यहां पर हाई ड्राइव मुझे एक मिला है, तो ये यहां पर लगा देता हूं। ठीक है, और एक कैपेसिटर चाहिए मुझे, तो यहां पर 560 वैल्यू का है। एक तो ठीक है मेरा, इसको लगा लेंगे। तो 560 मिली फ्राड अगर है और 470 लगी हुई थी, तो एक लगा करके भी चल जाएगा। आइए इसको लगा ही लेते हैं। हम लोग एक ही लगाएंगे यहां पर। अभी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, ऑन होकर के ऑफ होता है, या विंडो डालने में दिक्कत आती है, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो, या विंडो बूट करने में दिक्कत आती है, या हो सकता है एडाप्टर से ना चले बट बैटरी से चल जाए, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें दूसरा भी यूज करना होगा। तो इतना हम लोग रिस्क नहीं लेंगे कि चूंकि सिर्फ बोर्ड आता है हमारे पास रिपेयर होने के लिए, तो हम लगा के ही भेजेंगे ताकि इस तरह की कोई परेशानी कस्टमर को ना आए। ठीक है, इसमें से जो एक ठीक था इसको हम लोग यूज कर लेंगे। इसका अभी वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या वैल्यू दिखा रही है। ये शॉर्ट तो नहीं है, तो ये शॉर्ट नहीं है, ओपन है, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो नॉर्मली बिना अगर शॉर्टिंग का प्रोसेस नहीं देखता ये, इसलिए देखिए यहाँ पर कोर के एरिया में चूंकि काफी सारी कैपेसिटर होती है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि यहाँ पर जो ना पावर सप्लाई का यूज नहीं करिए, ऐसे ही शॉर्टिंग निकालिए। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि उसी दोनों में से एक कोई शॉर्ट थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन शॉर्टिंग निकालने के चक्कर में ये एक कैपेसिटर भी मेरा खराब हो गया। तो एक्यूरेसी की बात जहां तक है वो काम करते करते ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। एक दो कंपोनेंट अगर खराब हो भी जाता सीखने में और कुछ सिखा के चला जाता वो, तो बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि ये मेरा तजुर्बा था कि यहाँ पर कोर के एरिया में हम लोग प्रेफर करते हैं कि, अब देखिए अगर ये ऑन बोर्ड सीपीयू होता तो ऐसे कंडीशन में सीपीयू डैमेज होना मस्ट है, लाजमी एकदम। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी टेक्निक आनी चाहिए कि बिना पावर सप्लाई के, बिना शॉर्ट किलर के शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं। तो अगर ये टेक्निक आती है तो आपका एसओसी बच जाएगा। ये तो चलिए नॉन एसओसी बोर्ड है और सीपी निकाल लिया था हम लोगों ने, तो अब बिना सीपीयू के ही पहले पावर डालेंगे। शॉर्टिंग तो देख चुके हैं आप कि आपकी यहाँ जो 24 ओम के करीब आ रही थी 19 वोल्ट के लिए यहाँ पर, अब ये आपकी ओपन है। ठीक है, तो हम लोग पावर डालते हैं, एम्पियर पर भी नजर रखेंगे और पावर लगा देते हैं। तो पावर लगाया तो 0.81 के करीब आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सीपी नहीं लगाएंगे और ऐसे में हम चेक कर लेंगे कुछ वोल्टेज वगैरह हमें मिल रही है। तो ध्यान दीजिए, मैं कुछ एक दो क्वाल पर रख के चेक कर ले रहा हूं। तो 5 वोल्ट मिल गई है और 3 वोल्ट भी मिल गई है, तो यानी बोर्ड ऑन हो चुका है ऐसा लगता है, या 3-5 बन चुके हैं। एक बार लगाते हैं सीपीयू।
ठीक है, कोर का एरिया सिर्फ एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं कोर के एरिया में शॉर्टिंग एक बूंद भी तो नहीं रह गई है। चलिए अब हम लोग कोर के इस पॉइंट पर शॉर्टिंग चेक करेंगे। ये जो जितनी भी कॉयल यहाँ पर है कोर की, अभी तो सीपी लगा हुआ नहीं है, सीपी को खोल दिया है, तो कोर का जो आपका कॉयल बचता है तो एक ओपन है, ये दूसरा वाला भी ओपन है और ये वाला भी आपका ओपन है, तो आप लगा लेते हैं। ठीक है, सीपी लगा लेते हैं यहाँ पर और अब पावर लगाते हैं। तो पावर सप्लाई देखिए तो 0.9895 उठा रही है, ये तो एसर का बोर्ड है ये, और कितना उठाना चाहिए ये भी पता नहीं मुझे। ऑन ऑफ स्विच ढूंढ रहा हूँ मैं कि इसका ऑन ऑफ स्विच कहाँ पर है, कुछ गर्म तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पीसीएच लगता है गर्म हो रही है, ये गलत बात है, काफी गलत बात है। तो पीसीएच गर्म हो रही है हल्का हल्का, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बोर्ड ऑन हो चुका मुझे ऐसा लगता है, फिर भी एक बार हम लोग देखते हैं कि ऑन कर करके कि ऑन होता है कि नहीं। तो ये मुझे लगता है ऑन ऑफ का कनेक्टर है, ये देखिए ये वाला कनेक्टर है, लग रहा मुझे ऑन ऑफ का। तो इस पर हम लोग चिमटी से इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई भी हरकत, लोड तो ऐसे उठा लिया कुछ ज्यादा, ऑन हो गया बोर्ड। बट देखिए बोर्ड ऑन हो गया है, डिस्प्ले भी आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है, रैम नहीं लगी हुई अभी, बट प्रॉब्लम है बोर्ड में। क्यों? क्योंकि एम्पेयर देख रहे कितना उठा रहा है और पर से पीसीएच गर्म भी हो रही है, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। देखिए कितना लोड उठा रहा है और हाथ रख रहा हूं तो एकदम पीसीएच के पीछे हल्का हल्का हीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑन करते हैं, इस बार तो रैम लगा दिया है, तो ये देखिए 72 यानी 700 मिली एम्पेयर के करीब लोड है और ये फिर नीचे आ गया, ऑन होकर के ऑफ हो गया और दोबारा ऑन नहीं हो रहा है। फिर से ऑन करते हैं, तो खैर एक बात तो है कि डिस्प्ले आए या ना आए ऐसे में कुछ ना कुछ पंगा करेगा ये, क्योंकि आपने देखा कि जो शॉर्टिंग का एरिया था वो तो 19 वोल्ट था और वो कोर का एरिया था, बट पीसीएच इसकी गर्म हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और सप्लाई तो सारी बन रही होगी ऐसा उम्मीद करता हूं मैं, बट ये पावर लगाते ही गर्म होना ठीक नहीं है। एक चीज खाली यहां पर खाली कंफर्म ये करना होता है कि कहीं अपने से कोई वोल्टेज तो जनरेट नहीं हो गई है पीसीएच की। तो यहां पर इसको मैं वोल्ट पर कर लेता हूं और चेक करते हैं, तो वोल्टेज कुछ नहीं है। ठीक है, 3.5 बन रही है, 3 बन रही है, 5 बन रही है, बट पीसीएच की कोई वोल्टेज नहीं है, बट लोड 10 मिली एम्पेयर का है और पीसीएच गर्म हो रही है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि पीसीएच में प्रॉब्लम तो है। ठीक है, वोल्टेज कोई से भी जनरेट नहीं हो रही है, बोर्ड ऑफ है अभी, तो इसमें पीसीएच को हमें चेंज करना ही पड़ेगा। अगर डिस्प्ले आ भी जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाएगा, या हार्ड ड्राइव नहीं चलेगी, या डिस्प्ले पर डेटा नहीं आएगा, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर ऐसी प्रॉब्लम है। इसके अंदर एचएम देख लेते हैं बस कौन सी है, 65 होगी तो करके 100% 65 भी है, तो एचएम 65 है और ये मेरा तजुर्बा है कि ये कभी भी बचती नहीं है। अगर इस तरह की शॉर्ट सर्किट आती है तो नॉर्मली इसको चेंज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो यही था दोस्तों केस स्टडी, तो मुझे लगता है कि आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो जरूर इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि ये दूसरे के भी काम आ जाए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, और मेहरबानी होगी अगर आप लाइक भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले केस स्टडी में, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।